गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप। आज आप लोगों को वर्तमानवादी समाज को हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें मैंने प्रकृतिवाद को बता दिया था। जाते जाते जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें प्रकृतिवाद का मूल्यांकन हम लोग कर रहे थे। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए इस स्लाइड में हम लोग शॉर्ट ब्रीफ में प्रकृतिवाद का शैक्षिक मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसके लाभ क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके गुण क्या थे जो शिक्षा के लिए वरदान साबित हुए या शिक्षा जगत में इनको स्थान दिया गया। तो सबसे पहले इनके गुण देखते हैं। पहला गुण तो यही था, पहला विशेषता तो अध्यात्मवाद की ये थी। इसमें इसके जो उच्च शासक मूल थे उनको स्वीकार किया गया शिक्षा में, और इसके द्वारा चरित्रवान छात्रों का निर्माण किया जाता है, अर्थात छात्रों के चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा जो इसकी विशेषता है गुण है वो है शिक्षा के क्षेत्र में जो उद्देश्य हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी देन किसकी है, आध्यात्मवाद की है। तीसरी बात करते हैं, इसमें शिक्षक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षक को देवतुल्य या ईश्वर तुल्य की माना गया है और शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगली बात करेंगे, इसके द्वारा जो शिक्षा के पाठ्यक्रम था, करिकुलम था, उनकी विस्तृत व्याख्या की गई। चौथा था, इसमें पुस्तकीय ज्ञान को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये कुछ इसके करेक्टर थे, कुछ विशेषताएं थी, इसको मैंने बताया। नेक्स्ट, अब इसके दूसरे पक्ष की बात करते हैं, दूसरे पहलू की बात करते हैं, उसके दोष हैं, खामियां हैं या हानियां हैं उसको देख लेते हैं कि यथार्थवाद की सॉरी जो आध्यात्मवाद थी उसके क्या दोष हैं। उसमें पहला दोष तो इसका यही है कि जो इसके नैतिक मूल्य थे, जो इसके शासक मूल्य थे वो केवल उच्च आदर्शों की बात करते थे, व्यवहारिकता से इनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, इसकी आलोचना की जाती है या क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये है कि आदर्शवाद ने शिक्षण विधियों के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया है। तीसरी, इसकी आलोचना की जाती है कि इसने छात्रों की उपेक्षा की है, केवल शिक्षक को ही महत्व प्रदान किया है। चौथा इसका दोष ये है कि इसके द्वारा जो पुस्तकीय ज्ञान है उसी पर जोर दिया जाता है और व्यवहारिक ज्ञान की बात नहीं की जाती। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका दोष ये है कि छात्रों का जो भी व्यक्तित्व होता है उसमें या आदर्शवाद में स्थान नहीं दिया गया। छात्र की रुचि, छात्र की गति, छात्र की योग्यता, छात्र की अभिवृत्ति, छात्र की अभियोगिता, इनको क्या किया गया, इनको आदर्शवाद में इग्नोर किया गया। इसलिए इसकी कुछ हानियाँ थी जो मैंने बताई। इस प्रकार से आदर्शवाद को हम लोग संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। इसके बाद यदि इसमें कोई आपको कोई क्वेरीज करनी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब अगला विचारधारा की बात करेंगे कि अगली विचारधारा प्रकृतिवाद है। इसको समझ लेते हैं कि इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये शिक्षा जगत में क्यों आया, इसके पीछे कारण क्या थे। मैंने बताया, जब कभी किसी शैक्षिक विचारधारा में कुछ दोष आ जाते हैं, कुछ खामियां आ जाती हैं, कुछ अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, इसकी वजह से नवीन शैक्षिक विचारधारा का निर्माण होता है। इस विचारधारा के अंतर्गत मैंने बताया था, मन को ही इस जगत का आधार माना गया या दुनिया का आधार माना गया, मन की सत्ता को ही वास्तविक ईश्वरीय सत्ता माना गया, और जो भी भौतिक संसार है उसकी इसमें अवहेलना की गई। जबकि वास्तविकता ये है कि आज भी या किसी भी समय में जो पदार्थ है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसलिए पदार्थ भी महत्वपूर्ण है, और जो भी हमें दिखता है, जो दिखाई देता है, वो हमें जो हमें सब प्रतीत होता है उसका अपना एक महत्व है। इसलिए प्रकृतिवाद का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकृतिवाद जैसी नवी सच्ची विचारधारा का उदय हुआ। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं या प्रकृतिवाद के जो फाउंडर माने जाते हैं उनका नाम रूसो है, और इसके जो तमाम विचारक थे उनको देख लेते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं प्रकृतिवाद का क्या है। प्रकृतिवाद को कई नाम दिए जाते हैं, जैसे प्रकृतिवाद, दूसरा पदार्थवाद, तीसरा भौतिकवाद या भौतिकता। ये नवीन नाम है, इन नामों से प्रकृतिवाद को पुकारा जाता है। इसके कुछ समर्थक हुए हैं, कुछ शास्त्री हैं जिनके प्रबल समर्थक थे, उनके नाम देख लेते हैं। इसके रूसो इनके फाउंडर भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। रूसो इसके प्रतिपादक भी हैं अरस्तु, अगस्त कांटे, रोजर बेकन, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर, हाउस, ये तमाम शिक्षा शास्त्री थे
जिन्होंने लॉक भी जो क्या थे प्रकृतिवादी थे, जो प्रकृतिवाद के घोर समर्थक थे या बड़े समर्थक थे। अब इसके हम अर्थ को समझते हैं। प्रकृतिवाद को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। प्रकृतिवाद में तीन ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और तीसरा होता है मेटाफिजिक्स की बात करते हैं वो, तो इसके द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन नॉर्मली हम शिक्षा जगत में प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो इसको देखते हैं। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद का आधार ही भौतिकता है। अर्थात प्रकृतिवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ को माना जाता है, पदार्थ ही है जो शिक्षा जगत का आधार है या शिक्षा का आधार है या दुनिया का आधार है। गति का आधार पदार्थ है और जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही सत्य है। विचारों को इसमें स्थान नहीं दिया जाता, विचारवाद को इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, आध्यात्मवाद की इसमें उपेक्षा की जाती है। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी है वही श्रेष्ठ है, वही जीवन का आधार है, वही प्रकृति का आधार है। इस बात को प्रकृतिवाद मानता है और ये कहता है कि प्रकृति से परे और प्रकृति के बाद कुछ भी नहीं है, अर्थात प्रकृति ही सब कुछ है और इसके द्वारा जो भी रहस्य छिपे हुए हैं, जो भी रहस्य हैं उनको जानने का विज्ञान प्रयत्न करता है, जिन बातों का हमें ज्ञान नहीं है। और ये बातें क्या हैं? ये बातें कुछ भी नहीं, ये बातें स्वयं प्रकृति है और प्रकृति छात्र के लिए खुली पुस्तक है जिसका छात्र को आद से अंत तक अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद था। अब हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। उसमें भी कमोबेश सही बातें की गई हैं, कुछ बातों को जो कहते मान लिया गया है इसको समझते हैं। प्रकृतिवाद का अर्थ में देखते हैं। मेटाफिजिक्स कहता है प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है, वह लौकिक एवं अलौकिक में अंतर नहीं करता। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। ये कहते हैं निसंदेह कुछ बातें ऐसी हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उन बातों को जानने का ही विज्ञान प्रयत्न करता है। ठीक है, आगे कहते हैं ये प्रकृति क्या है। प्रकृति से परे और प्रकृति के बाद कुछ भी नहीं है और प्रकृति छात्र के लिए, मनुष्य के लिए या बच्चों के लिए खुली पुस्तक है जिसका उसको आद से अंत तक अध्ययन करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रकृतिवाद के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। और आगे ये कहते हैं, इसको आप लोग उद्धरण करना चाहें इतना उद्धरण कर लें। इसको देखते हैं आगे और कुछ इसकी क्लियर व्याख्या करते हैं। प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृति का आधार क्या है? प्रकृति का आधार पदार्थ है और पदार्थ ही वास्तविकता है, पदार्थ ही प्रकृति में वास्तविक है। और इसको हम देखते हैं, आज हम लोग विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए हम प्रकृति का निश्चित रूप से और अक्सर दोहन कर रहे हैं। इसका परिणाम ये होता है कि प्रकृति में या प्रकृति के लिए असंतुलित होते जा रहे हैं और तमाम तरीके के सामाजिक विकास और भौतिक विकास के कारण जो भी प्रकृति के सामाजिक नियम हैं वो टूटते जा रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि हम जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ही ज़्यादा व्यक्ति या मनुष्य को लाभ होगा। आज हम देख रहे हैं कि जितने भी पॉल्यूशन की बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं और तमाम तरीके की विसंगति की बात करते हैं, संघर्षों की बात करते हैं, उसके कारण क्या है? प्रकृति है असंतुलित होती जा रही है। लेकिन प्रकृति का एक सबसे सर्वोच्च सत्ता है, वो अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर लेती है। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आज जितनी बड़ी महामारी है, एपिडेमिक बीमारी है, उसका पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि दुनिया के अंदर पॉल्यूशन की जो समस्या थी बहुत हद तक सही ठीक हुई है, बहुत हद तक उसमें सुधार हुआ है। और दुनिया के अंदर जितने भी जल के स्रोत थे, जितने भी प्रदूषित जल था, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलता है। इसलिए प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है और प्रकृति ही या पदार्थ ही जीवन का आधार है। प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं करती है और ये नियम प्रकृति स्वयं द्वारा स्वयं ही संचालित करती है। इसलिए प्रकृतिवाद का महत्व क्या है, प्रकृतिवाद क्या है इसको हमने समझा। क्या प्रकृतिवाद के कितने नाम दिए गए हैं,
प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है, इसके समर्थक कौन थे। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है थॉमस एवं लेंग के अनुसार, इसको समझते हैं। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम सत्ता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद है वो क्या है, वो मन को पदार्थ के अधीन मानता है और कहता है अंतिम सत्ता पदार्थ में है या पदार्थ है, बहुत आध्यात्मिक नहीं या अध्यात्म नहीं है। दूसरा ठीक है, इसके उलट बात करता है, आध्यात्मवाद को उलट बात करते हैं ये। दूसरा है ब्राइस के अनुसार, ब्राइस भी कहते हैं कि आध्यात्मवाद एक प्रणाली है, आध्यात्मवाद है या जो जो आइडियलिज्म है वो शिक्षा में या शिक्षा की प्रणाली है, जो आध्यात्मवाद की जितनी भी विशेषताएँ आध्यात्मवाद की जो भी बातें हैं उनका खुले तौर पर विरोध करती है, उसका आधार ही इसका विरोध करना है। तो ये प्रकृतिवाद का अर्थ स्पष्ट हुआ, इसके फाउंडर कौन थे, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या था, इसकी परिभाषा क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ी। आप इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लें, या आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद की हम लोग विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है इसकी, इसको समझते हैं। प्रकृतिवाद की विशेषताएं, प्रकृतिवाद की विशेषताएं, प्रकृतिवाद की विशेषताएं, इसको देखते हैं। पहली विशेषता तो ये है, पहली विशेषता है प्रकृति की ओर लौटो, इसका इनारा है। घुसे हुए हैं इसके समर्थक, इसके फाउंडर या संस्थापक, वो कहते हैं प्रकृति की ओर लौटो, लौटो प्रकृति की ओर, की ओर लौटो। ठीक है, इसको समझते हैं। ये नारा, ये स्लोगन था, वो रूसो ने दिया। रूसो ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो, उनका तात्पर्य था कि हमें जो भी शिक्षा है, जो भी औपचारिक शिक्षा है, वो औपचारिक विद्यालयों, औपचारिक नियमों, औपचारिक विधियों, औपचारिक शिक्षण उद्देश्यों के इतर क्या करना है, हमें कहीं भी समयबद्ध नहीं होना है, हमें प्रकृति के नियम से शासित होना है। अर्थात प्रकृति की तरफ ही, जब हम प्रकृति की तरफ जाएंगे तो हम ज़्यादा सुरक्षित होंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और स्वाभाविक रूप से सीख पाएंगे। इसमें ये नारा किसने दिया है, रूसो ने दिया है, इसको लिख लें, टैग कर लें इसको, रूसो, प्रकृति की ओर लौटो, इसकी प्रथम विशेषता है। दूसरी विशेषता को देखते हैं हम लोग, वो है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। नंबर दो, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, ज्ञान का विरोध। मैंने कहा था जब किसी भी विचार शैक्षिक विचारधारा में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उस दोष को रिमूव करने के लिए, उनको उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए एक नवी शैक्षिक विचारधारा का निर्माण होता है। तो ये था, ये क्या शिक्षा कहती थी, वैज्ञानिक शिक्षा थी, एक निश्चित ढांचे में बनी बनाई शिक्षा थी। ये क्या करती थी, आध्यात्मिक शिक्षा को जोर देती थी। लेकिन
जब 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 ये विचारधारा सच्ची विचारधारा आई, हमने कहा नहीं, हमें प्रकृति की ओर लौटना है और प्रकृति के जो नियम हैं, जो शाश्वत नियम हैं, उनके द्वारा ही हमें सीखना है और वही वहीं से छात्र अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दूसरा, पुस्तक ज्ञान का अवरोध किया उन्होंने, जो आदर्शवादी विचारधारा थी वो पुस्तक ज्ञान पर जोर देती थी, शिक्षक थे शिक्षकों को सबसे ज़्यादा महत्व देती थी और जो छात्र थे उनकी उनकी जो रुचियाँ थी अभिरुचियाँ थी उनकी जो विशेषताएँ थी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, केवल उनको चीज़ें हटा दी जाती थी। लेकिन प्रगतिवाद ने माना कि पुस्तकीय ज्ञान से छात्रों का भला या मानवता का भला नहीं होगा, हमें क्या करना है, हमें पुस्तकीय ज्ञान का अवरोध करना है और छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा देनी है जो उनका तात्कालिक जीवन है या जो उनका भावी जीवन है उसके लिए काम आ सके। तीसरी विशेषता थी, उसको देखते हैं। तीसरी विशेषता की बात करेंगे, प्रगतिवादी ये था, प्रगतिशील शिक्षा की बात की उन्होंने, प्रगतिवादी प्रोग्रेसिव इसमें ये था जो तत्कालीन शिक्षा थी या प्रगतिवाद से पहले की शिक्षा थी, आदर्शवादी शिक्षा थी, वो शिक्षा कैसी थी, वो शिक्षा एक परंपरागत शिक्षा थी, एक परंपरागत ढांचे पर आधारित थी। लेकिन तत्काल समय में जो भी इनोवेशन्स हो रहे होते हैं, जो भी नवीन खोजें हो रही होती हैं, जो भी नए अनुसंधान शिक्षा में हो रहे होते हैं, उससे परिचित होना प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था का या प्रत्येक देश के शैक्षिक नियत नियंत्रणों का कर्तव्य होता है। इसीलिए शिक्षा कैसी हो, प्रकृतिवाद के अनुसार वो हो, प्रोग्रेसिव हो, लगातार उन्नति होती रहे। इसलिए इस शिक्षा की विशेषता थी कि शिक्षा में नए नए इनोवेशन होने चाहिए, नवीन सुधार होने चाहिए, नए नए अनुसंधान होते हैं उनको आस्थापित करना चाहिए। चौथी इसकी विशेषता थी, उसको देखते हैं, निषेधात्मक शिक्षा। इसकी चौथी शिक्षा थी निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा इसको नेगेटिव एजुकेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एजुकेशन। इसकी बात करेंगे, प्रगतिवाद कहता था हमें छात्रों को सत्य की शिक्षा नहीं देनी है परंतु सत्य से बचाना है, हमें छात्रों को लाभ की शिक्षा नहीं देनी है बल्कि उनको हानि से बचाना है, हमें छात्रों को नैतिक शिक्षा नहीं देनी है लेकिन हमें अनैतिकता से बचाना है, हमें छात्रों को अहिंसा की शिक्षा नहीं देनी है लेकिन उनको अहिंसा से बचाना है। अर्थात इस शिक्षा के द्वारा, निषेधात्मक शिक्षा के द्वारा किसी ऐसी शिक्षा की बात नहीं की जाती जो उनको पर्टिकुलर रूप से दी जाए, लेकिन उस शिक्षा की बात की जाती है जो उन्हें बुराइयों से बचाती है और उसको नए समाज के लिए, नवीन युग के लिए, भावी जीवन के लिए तैयार करती है और उनके व्यक्तित्व का विकास करती है। अगली बात करेंगे, बालक की प्रधानता, पांचवा बालक की प्रधानता। इसको समझते हैं, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की उन्होंने। उन्होंने कहा प्रगतिवाद कहता था कि आदर्शवाद था वो छात्र को शिक्षा प्रणाली में कोई महत्व नहीं देता था, वहाँ छात्र पैसे ऑडियंस की तरह रहता था, इसकी श्रोता की तरह रहता था। लेकिन प्रगतिवाद ने कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें छात्र को स्थान देना है, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है उसमें छात्र को मुख्यमान प्रधानता देनी है, उसको ही सर्वे सर्वा मानना है कि शिक्षा की जितनी भी गतिविधियाँ की जाती हैं, शिक्षा के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो छात्र के लिए किया जाता है। इसलिए छात्रों की रुचि, छात्रों का योग्यता, छात्रों की गति, उसकी अपनी क्षमताएं, छात्रों की अभिरुचियाँ अभिवृत्तियाँ, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, उसी के अनुसार छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर बालक की विधानता हुई। छठवीं विशेषता है मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रारंभ। ठीक है, इसको देखते हैं। ये था मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रारंभ।
प्रकृतिवाद ने प्रकृतिवाद की सबसे बड़ी देन शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग था। अर्थात प्रकृतिवादी को कहना था, जब तक शिक्षक या शिक्षा नियंता या शिक्षा प्रबंधक छात्रों की मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं होगी। अर्थात छात्रों के मन को समझना है, उनके योगदान को समझना है, वो छात्र कौन सी, छात्रों का इंटरेस्ट क्या है, जो भी करिकुलम बनेंगे वो करिकुलम पढ़ाने का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता है, ये उद्देश्य तभी होगा जब शिक्षक छात्र शिक्षक नियंता शिक्षा शास्त्री और जो भी शिक्षा से संबंधित रूल मेकर्स हैं या नियम बनाने वाले हैं, उनको छात्रों के बारे में पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। यदि छात्रों का ज्ञान नहीं होगा, मनोविज्ञान की विधियों का ज्ञान नहीं होगा, तो सारी की सारी शिक्षक कवायद धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मनोविज्ञान में प्रवेश या मनोविज्ञान का प्रवेश किसके द्वारा सक्षम किया गया, वो किया गया प्रकृतिवाद के द्वारा। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं इसकी। अगली विशेषता है इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लें। सातवां है अनुशासन, लिख लेते हैं इसको अनुशासन। प्रकृतिवाद में छात्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई और ये कहा गया कि छात्र मुक्त्यात्मक अनुशासन को अपनाएं, अपने अनुसार ही अनुशासन की बात करें। अर्थात छात्र पर बाह्य जो नियंत्रण है उसको नहीं रखा जाएगा, छात्रों पर बाह्य दबाव नहीं डाला जाएगा, छात्र स्वयं से ही अनुशासन का पालन करेंगे, छात्र स्वतंत्रतापूर्वक अनुशासन है उसको मानेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं थी, इसको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी इस लाइन में बस इतना ही, यदि कोई क्वेरीज करनी हो आगे हम लोग आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।